शिनजियांग के सुदूर पश्चिम क्षेत्र में ही चीनी अधिकारियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऐप को ह्यूमन राइट वॉच ने एक नया विश्लेषण किया है, जहां तुर्क मुस्लिम अल्पसंख्यकों को बारीकी से ट्रैक किया जा रहा है और हिरासत केंद्रों पर भेज दिया जा रहा है। विश्लेषण का सुझाव है कि चीनी अधिकारी अंधाधुंध रूप से इस क्षेत्र के लोगों के बारे में जानकारी के विशाल मात्रा में संग्रह कर रहे हैं। बर्लिन स्थित सुरक्षा फर्म के साथ ह्यूमन राइट वॉच ने ऐप को रिवर्स इंजीनियर किया, जो डेटा कलेक्शन और एनालिसिस सिस्टम से जुड़ा है, जिसे इंटीग्रेटर जॉइंट ऑपरेशंस प्लेटफॉर्म कहा जाता है, और पाया गया है कि ये शिनजियांग में पुलिस और अन्य अधिकारियों को इकट्ठा करने में सक्षम बनाता है और लोगों के बारे में व्यक्तिगत जानकारी दर्ज किया जाता है, जिसमें व्यवहार को संदिग्ध माने जाने पर उन्हें भविष्य की जांच के लिए रेखांकित करता है। ह्यूमन राइट वॉच ने चीन के वरिष्ठ शोधकर्ता माया वंग ने कहा, अद्वितीय है, यह शिनजियांग के बड़े पैमाने पर निगरानी प्रणाली का दिल है। उसने कहा, जातीय उइगरों, काजगों और अन्य तुर्क मुसलमानों सहित 1,00,000 से अधिक लोग शिनजियांग में बड़े पैमाने पर नजरबंद शिविरों से गुजर रहे हैं, जहां बंदियों को बिना आरोप के रखा जाता है, जिन्हें चीनी सिखाई जाती है, देशभक्ति के गाने गाने और चीनी कम्युनिटी पार्टी के सिद्धांतों को सीखने के लिए मजबूर किया जाता है और अधीन कई गवाहों के अनुसार भोजन से वंचित होने से लेकर तनाव की स्थिति में रहने तक की एक विस्तृत श्रृंखला भी है। जिजोप प्लेटफॉर्म लोगों के ट्रैवल पैटर्न, उनकी बिजली और पेट्रोल के उपयोग के साथ साथ धार्मिक गतिविधियों जैसे कि मस्जिद को प्रचार या दान करने आदि को ट्रैक करता है, पुलिस को ऐसे ऐप्स के लिए जांच करने के लिए भी प्रेरित करता है जिन्हें संदेश पर ऐप्स शामिल हैं, जिनमें चीन के बाहर लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप जैसे व्हाट्सएप, वाइबर और टेलीग्राम शामिल हैं। इन और कई अन्य मानदंडों के आधार पर ऐप उन लोगों की सूचियों को बाहर निकालता है जो निरोध के लिए उम्मीदवार हैं। सुझाव है कि शिनजियांग के जटिल निगरानी तंत्र और मुस्लिम अल्पसंख्यकों के सामूहिक इंटर्न के बीच सीधा संबंध है। एप्लीकेशन अनिवार्य रूप से अधिकारियों को अनेक जीवन के कई अलग अलग पहलुओं में निवासियों के व्यवहार और व्यक्तिगत लक्षणों के बारे में जानकारी साझा करने के लिए एक इंटरफेस प्रदान करता है। ऐप, जिसका पहला संस्करण दिसंबर 2016 में जारी किया गया था, एक बार सार्वजनिक रूप से उपलब्ध था, लेकिन पिछले साल ऐप स्टोर से हटा दिया गया था। गायब होने से पहले HRW ने ऐप डाउनलोड किया। HRW का विश्लेषण तब आता है जब चीन विदेश सरकारों, संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों और मानव अधिकारियों के नैतिक अल्पसंख्यकों के साथ व्यवहार करने की वकालत करता है। आलोचकों का कहना है कि बीजिंग की निगरानी तकनीकों का भारी उपयोग चेहरे की पहचान कैमरों से लेकर बड़े डेटा विश्लेषण तक शिनजियांग को एक आभासी खुली हवा में जेल में बदल दिया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सामान्य व्यवहार से किसी भी विचलन को सूक्ष्म सुराग के रूप में चिन्हित किया जाता है। रिपोर्ट कहती है कि एक व्यक्ति की तरह जो पुलिस की अनुमति के बिना अपने निवास के क्षेत्र को छोड़ देता है या सिम कार्ड वाले फोन का उपयोग करके उन्हें पंजीकृत नहीं करता है, यहां तक कि उनके पैकेजेस की डिलीवरी भी ट्रैक के जरिए करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पल पल न्यूज़।